जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी झारखंड बोर्ड के छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के आज एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट दैनिक जागरण समाचार पत्र में रांची से प्रकाशित हुआ है, जिसे मैं आज इस वीडियो के माध्यम से संक्षेप में अच्छे ढंग से आप तक पहुँचाने का कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप सभी छात्रों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम आज से शुरू हो रहा है या फिर होने वाला है, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक मैं इस वीडियो में आपको संक्षेप में बताऊंगा। इसीलिए आप सभी छात्र हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहे तो लाइक और शेयर करते हुए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आपको हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप सभी छात्रों के बोर्ड एग्जाम 2022 को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसे देखें, तो आप लोग यहां पर हेडलाइन में देख रहे हैं, जिसमें दिया गया कि इंटर परीक्षा के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट आज से होंगे शुरू। जी हां दोस्तों, झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट के साइंस आर्ट्स कॉमर्स के छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम आज से शुरू हो रहा है, जो 22 मार्च 2022 तक चलेगा। और दोस्तों, इसी दौरान आप सभी छात्रों के इंटरनल असेसमेंट का भी नंबर दिया जाएगा। और आप सभी छात्रों को मैं बता दूं कि इंटरमीडिएट के आर्ट्स के जितने भी छात्र हैं, तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में होगा। वहीं पर जो साइंस के छात्र हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में होगा। और वहीं पर जो आपका कॉमर्स के छात्र हैं, तो ईटीपी और अकाउंटेंसी में प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और दोस्तों, वहीं पर जो मैट्रिक के छात्र हैं, तो आप सभी छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम आपके थ्योरी एग्जाम के बाद यानी कि 26 अप्रैल से शुरू होगा, 5 मई तक चलेगा। और वहीं पर जो 9 और 11 के छात्र हैं, तो आप सभी छात्रों का प्रैक्टिकल एग्जाम का जो शेड्यूल है, आपके थ्योरी एग्जाम का जो शेड्यूल होगा उसी में लिखा होगा, और उसी के आधार पर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा। और दोस्तों, तो जब तक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तब तक आपका जो नंबर है उसे आपके प्रिंसिपल के माध्यम से झारखंड एकेडमी काउंसिल के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर भी अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप सभी झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट था, जो इस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरमीडिएट के छात्रों का आज से शुरू हो रहा है, मैट्रिक के छात्रों का 26 अप्रैल से शुरू होगा, इसके बाद 9 और 11 का भी होगा, तो आप सभी छात्रों के प्रैक्टिकल का प्रोसेस क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं। दोस्तों, जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले आपको अपने स्कूल और कॉलेज में जाकर के शेड्यूल को चेक करना है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस तिथि को लिया जाएगा, क्योंकि ये शेड्यूल जो है आपके स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल के माध्यम से तय किया जाता है आप सभी छात्रों के संख्या के आधार पर। अगर आप सभी छात्रों का संख्या कम है, तो आपका एग्जाम एक ही दिन में ले लिया जाएगा, और वहीं पर आपकी संख्या ज्यादा है, तो आपका जारी शेड्यूल के अनुसार लिया जाएगा कि किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के छात्रों का एग्जाम किस तिथि को लेना है। तो आपका पहला काम है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो सबसे पहले अपने स्कूल और कॉलेज में जाकर के अपने चेक कर लीजिए कि आपका एग्जाम किस तिथि को लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा काम करना है कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, तो उस दिन आपको क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, अन्यथा आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम हो या फिर थ्योरी का एग्जाम हो। इसके बाद साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल में प्रयोग होगा वो सामग्री, पेन, पेंसिल इत्यादि लेकर के जाना है। और इसके बाद जो तीसरा चीज है कि आपको अपना कॉपी, जो प्रोजेक्ट वर्क पहले से बना करके रखे हैं, उस कॉपी को भी ले जाना है, क्योंकि आपको जो नंबर दिए जाते हैं इन तीनों आधार पर दिया जाता है, मतलब कि आप वहां पर प्रैक्टिकल में कॉपी में जो लिखेंगे उसके आधार पर, साथ ही साथ आपका जो कॉपी पहले से तैयार है वो जमा करेंगे उसके आधार पर। और इसके बाद आपको वहां पर मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जिसको भाईवा कहते हैं, तो उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे, यानी कि तीन तरह से तीन विभाग में आपका नंबर बांटा रहता है और उसका नंबर आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको इस तरह से वहां पर जाना है तैयारी करके। साथ ही साथ आप सभी छात्रों का एक कमेंट आता है कि सर, हम लोग प्रैक्टिकल नहीं देते हैं बल्कि हम लोग पैसा दे देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका स्कूल और कॉलेज मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, उसे आप लोग कलंकित नहीं कीजिएगा। और वहीं पर जो भी टीचर हैं जो छात्रों से पैसा लेते हैं, तो शिक्षकों से भी आग्रह होगा कि शिक्षकों का जो मान सम्मान है उसे बचाइए और इसको धूमिल करने का कोशिश नहीं करें।
ऐसा होने से होता क्या है कि जो अच्छे अच्छे छात्र हैं तो उनको कम मार्क्स दिया जाता है, और वहीं पर जिनके पास पैसा है वो पैसा दे देता है तो उसको ज्यादा मार्क्स दे दिया जाता है, और ऐसे में जो अच्छे अच्छे छात्र हैं उसके साथ अन्याय होता है। तो दोस्तों आप सभी ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो हैं अपने टीचर को पैसा नहीं देना है। साथ ही साथ शिक्षकों से भी आग्रह है कि आप लोग भी बच्चों से पैसा नहीं लीजिएगा, और जो हकीकत है जो बच्चा जिस ढंग का है उसको उस ढंग से आप नंबर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सभी छात्रों के लिए जो आपका अपडेट था, साथ ही साथ प्रैक्टिकल का प्रोसेस था, तो ये था। और साथ ही साथ इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर होंगे तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।